पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में बीएसपी ने लोकदल सुरक्षा को लेकर किए गए गठबंधन को लेकर कहा कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये गठबंधन किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं बीएसपी नेता ने गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा। कि आपको विदित है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व सांसद आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर हरियाणा प्रदेश में आगामी लोकसभा एवं विधानसभा के आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तथा हरियाणा प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता की मांग पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को लागू करके प्रदेश के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, कर्मचारियों, महिलाओं व दलितों, पिछड़ों पर आए दिन हो रहे अन्याय व अत्याचारों से निजात दिलाने तथा आरक्षण बचाने के लिए व भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए पूर्व में किए गए इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन में चौटाला परिवार में विघटन होने के कारण कमजोर हुए गठबंधन को समाप्त कर नया मजबूत हरियाणा प्रदेश की जनता की मांग पर जो गठबंधन आज बहुजन समाज पार्टी एवं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के मध्य किया गया है, इसकी घोषणा की जाती है। इस गठबंधन में इस प्रकार से हमारा आपस में समझौता हुआ है कि लोकसभा की 10 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी तथा विधानसभा की 90 सीटों में से 35 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने एमएलए के कैंडिडेट खड़ा करेगी। इसी प्रकार से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लोकसभा की 2 सीटों पर तथा विधानसभा की 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। तो देखा आपने गठबंधन को लेकर बसपा नेता ने क्या कुछ कहा। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।